हेलो चिल्ड्रन, आज हम चैप्टर 10 का पार्ट बी करेंगे, जो कि चैप्टर है हुतुतु हुतुतु। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर में देखा कि किस तरीके से कबड्डी गेम खेला जाता है, जिसे हुतुतु भी कहा जाता है। ओके, और इसके रूल्स क्या हैं, ग्राउंड कैसा होता है। आगे हम आज चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, द गेम ऑफ कबड्डी। सो दिस इज व्हाट अ गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक, पुशिंग एंड पुलिंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, ड्रैगिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। जो ये कबड्डी गेम है वो कैसा है, मतलब खींचा तानी वाला गेम है। कोई किसी को खींचता है, कोई धक्का देता है, कोई स्क्रीम करता है, कोई चिल्लाता है, कोई रेंगता है, मतलब इस तरीके का गेम है कि मतलब खुद को घसीट कर मिड लाइन को हमें टच करना है, बाउंड्री लाइन को टच करना है, इस तरीके का गेम है। इट इज़ अ रफ गेम, येट इट हैज़ मैनी रूल्स। ये जो गेम है बहुत ही रफ़ है, फिर भी इस गेम के बहुत सारे रूल्स हैं। बहुत ही रफ़ गेम है, मतलब इसमें कई बार तो चोट लग जाती है खेलते समय, मतलब एक दूसरे को लोग धक्का दे देते हैं, तो बहुत ही रफ़ गेम है। इट इज़ लॉट ऑफ फन, फिर भी इसमें बहुत फन है, एंड लॉट ऑफ एक्सरसाइज। इस गेम में फन भी है और एक्सरसाइज भी है। होल्डिंग योर ब्रेथ वाइल रनिंग एंड कंटिन्यूसली सेइंग कबड्डी कबड्डी एंड ऑल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर ऑफ द अपोजिट टीम। अब हमें इसमें क्या करना होता है, हम अपनी ब्रेथ को, सांसों को रोक के रखते हैं और कंटिन्यूसली क्या बोलना होता है, कबड्डी कबड्डी, कंटिन्यूसली मतलब लगातार कि हमें कबड्डी कबड्डी गेम बोलना है। और क्या करना है, अपोजिट वाली टीम में जाकर उनके प्लेयर्स को टच करके आना है। आई थिंक आप लोग ये गेम खेलते होंगे, है ना। मज़ा भी बहुत ही है और चोट भी लगती है, इसलिए ध्यान से खेलना होता है। सो मैनी थिंग्स टू डू इन कबड्डी। यू कैन डू दिस एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रेथ। और ऐसा हम कब तक कर सकते हैं, जब तक अपनी सांसों को रोक सकते हैं। मतलब कबड्डी गेम में बहुत ही फन है, एक्सरसाइज है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और इसका मेन जो है कि हमें अपने सांसों को रोक के रखना है, तो ही अपोजिट टीम में जाना। अगर हमने वहाँ पे एक बार अपनी ब्रेथ को ब्रेक किया तो हम आउट हो जाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, बट ध्यान से खेलिएगा अगर आप कभी भी खेलते हैं तो। नाउ यू नीड टू यूज़ बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम। हमें अपनी बॉडी के साथ साथ माइंड का भी इस गेम में यूज़ करना है। यू हैव टू यूज़ योर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप द प्लेयर। अब हमें माइंड, बॉडी सबका यूज़ करके ये इसमें आइडिया लगाना होता है कि किस तरीके से हम प्लेयर्स को रोक सकते हैं कि वो मिड लाइन को टच ना करें अपने, मतलब हम ताकत कितनी लगा सकते हैं। एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड। और इसी बीच हमें ये भी सोचना होता है कि कैसे हम दूसरी टीम में हमें एंटर होना है। यू हैव टू डिसाइड होम टू टच क्विकली एंड कम बैक। और साथ ही साथ ये भी सोचना है कि मतलब कैसे मैं दूसरी वाली टीम में जाऊं और वहां के प्लेयर्स को टच करके सेफली रिटर्न आ जाऊं। इफ़ यू गेट कॉट देन हाउ डू यू रीच द लाइन इन द सेंटर। और अगर आप पकड़े गए तो कैसे फिर मिड लाइन तक आप टच करेंगे, कैसे आएंगे अपनी टीम में वापस। मतलब बहुत कुछ दिमाग लगाना होता है, तो इसलिए ये गेम एक्सरसाइज के साथ ही साथ, मतलब बॉडी के साथ साथ माइंड का भी गेम है। डू यू प्ले कबड्डी, क्या आप कबड्डी खेलते हैं। इज देयर अ गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल। अब हमारे स्कूल में आपने गर्ल्स की कबड्डी टीम देखी है। डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी व्हेन दे वर योर एज, आस्क देम। अब आप लोगों को अपनी ग्रैंड मदर से, मम्मी से, मतलब आप पूछ सकते हैं कि क्या उन्होंने कबड्डी खेला है, क्या वो अपने समय में वो लोग खेलते थे। ठीक है, डू गर्ल्स इन योर एरिया प्ले कबड्डी और एनी अदर आउटडोर गेम। इफ़ देयर आर गर्ल्स डू नॉट प्ले देन वट आर द रीज़न फॉर देम नॉट प्लेइंग, डिस्कस। ये आपको डिस्कस करना है कि वो लोग क्यों नहीं खेलते हैं और खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब बच्चों ऐसा है कि गेम्स जो दो तरीके की होती है, एक इनडोर होती है और एक आउटडोर गेम्स होते हैं। तो आउटडोर गेम्स जैसे कि कबड्डी है, खो खो है, क्रिकेट, बैडमिंटन, तो ये सब क्या है, ये सब आउटडोर गेम्स है। मतलब हमें इसे ग्राउंड में खेलना होता है, हम घर के अंदर नहीं खेल सकते हैं। और इंडोर गेम्स मतलब जो हम
घर के अंदर खेलते हैं, जैसे कि कैरम खेलना, या फिर लूडो है, चेस है, ठीक है, इस तरीके के गेम्स जो हम घर पे बैठ के खेल सकते हैं, ये इंडोर गेम्स हैं। तो चलिए आइए हम कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में जानते हैं। हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन दी न्यूज़पेपर? क्या आपने कभी कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में न्यूज़ में, टीवी में, न्यूज़पेपर में कहीं पर सुना है, पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर। ये क्या है? वेट लिफ्टर है जो इंडिया की टीम से पार्टिसिपेट करती हैं। शी लिव्स इन दी आंध्र प्रदेश। तो ये कहाँ रहती हैं? आंध्र प्रदेश की हैं ये। हर फादर इज़ अ पुलिस कांस्टेबल, और उनके फादर क्या हैं? पुलिस कांस्टेबल हैं। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 12 इयर्स ओल्ड। जब वो 12 साल की थी तब से मतलब वेट लिफ्टिंग कर रही हैं वो। अब ये वेट लिफ्टिंग क्या है? भार उठाने का जो होता है ना, एथलीट्स होते हैं। नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम, और आज के टाइम पर वो 130 किलोग्राम, 130 किलोग्राम वेट उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी हैज़ वन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स। कर्णम मल्लेश्वरी ने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए 29 मेडल्स जीते हैं। इंडिया में ये 29 मेडल्स लाई हैं। हर फोर सिस्टर ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग, और उनकी जो सिस्टर्स हैं वो भी उनसे वेट लिफ्टिंग सीख रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं। तो ये बहुत ही प्राउड की बात है कि कर्णम मल्लेश्वरी 29 मेडल्स लाई अपनी कंट्री के लिए। हमारी कंट्री के लिए बहुत प्राउड की बात है। कर्णम मल्लेश्वरी की ही तरह और भी बहुत सारी गर्ल्स हैं जो इंडिया के लिए खेलती हैं, जैसे टेनिस, बैडमिंटन। तो मैं उनके पिक्चर्स आपको शो करती हूँ। ये देखिए, ये है सानिया मिर्जा, जो कि एक टेनिस प्लेयर हैं ये, और इंडिया टीम की ओर से खेलती हैं। सानिया मिर्जा है इनका नाम। और नेक्स्ट जो है वो है एक बैडमिंटन प्लेयर, जो कि है साइना नेहवाल। ओके, ये बैडमिंटन खेलती हैं इंडियन टीम से। तो इंडिया के लिए बहुत सारे मेडल्स ये बैडमिंटन में लेकर आई हैं। और ये हैं मिथाली राज, जो इंडियन टीम की, इंडियन क्रिकेट टीम की प्लेयर हैं और कैप्टन भी हैं इंडियन की, जो इंडिया की जो वुमेन्स टीम है उसकी। सो डियर, मैंने तो ये एक दो एग्जांपल्स आपको दी। और भी कई प्लेयर्स हैं, मतलब गर्ल भी हैं, बॉय भी हैं, बहुत सारे, जो कि इंडिया टीम की ओर से खेलते हैं डिफरेंट डिफरेंट गेम्स। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।